ओ यार क्या मजे की पापड़ी थी यार, क्या मजा। क्या सोच रहा है? 4 साल गुजर गए यार, वक्त का पता ही नहीं चला। वक्त यही तो खास बात है, कब गुजर जाए पता ही नहीं चलता। ओए बूटा याद है। ओए यार क्या याद है यार। आते शुरू हो गए तुम लोग, बैठो अपनी सीटों पे। ये क्या आज बस इतने स्टूडेंट्स हैं? यस मैम, वो आज फ्राइडे है ना, शायद इसी वजह से नहीं आए होंगे। हैरानी की बात है, पहले तो ऐसे कभी नहीं हुआ। है तो हैरानी की बात, लेकिन चल पढ़ना नहीं पड़ेगा। हाँ ये बात है। Did I hear you saying कि आज पढ़ना नहीं पड़ेगा? Stand up. मैम मैं कुछ और बात कर रहा था। ड्रामे कर रहे हो मेरे साथ? नहीं मैम सच्ची, आप इससे पूछ लें आप। बात तो तुमने आना नहीं है, बैठ जाओ। ओके मैम। आप लोगों के एग्जाम सर पर हैं, नो दिस, दिस इज फॉर योर ऑन गुड। बुक्स निकालो अपनी। मगर मैम आज तो सिर्फ 3 स्टूडेंट्स आए हैं। बच्चे का मैं तो क्या हुआ, पढ़ना तो फिर भी पड़ेगा, बुक्स निकालो। मैम वो एक रिक्वेस्ट थी। क्या रिक्वेस्ट थी बिलाल? मैम आज इतने कम बच्चे आए हैं मैम, आज नहीं पढ़ते ना, प्लीज प्लीज मैम, प्लीज मैम। ओके फाइन, बट वी विल ओनली टेक दिस क्लास एज अ फ्री लेक्चर, बाकी वी विल स्टडी। ओके बाकी की बाद में देखी जाएगी। क्या हो रहा है यहाँ पे? कुछ नहीं मैम। लेट्स स्टॉप, क्योंकि आप लोग सब स्कूल से जा रहे हैं, तो लेट्स स्टार्ट शेयरिंग योर अल्टीमेट गोल इन लाइफ वन बाय वन, स्टार्टिंग विद यू एमएल। मैम मेरा एक ही गोल है लाइफ में, और वो ये है कि मेरे होते हुए कोई भी गरीब या मजबूर घराना भूखा ना सोए। एंड फॉर दैट आई रियली वर्क हार्ड एंड आई होप माय पेरेंट्स आर प्राउड ऑफ मी। ओए अपनी फनकारियां बताने का मूड है? अब चुप कर, बता दे। नहीं यार यार बता दे ना पिकासो। अबे यार जाने दे, क्या बता दो एमएल। बी प्राउड ऑफ व्हाटएवर टैलेंट यू हैव, क्योंकि यही आपको सबसे यूनिक बनाता है। मैम मामा आई एम अ स्केच आर्टिस्ट, बस बताते वक्त थोड़ा सा वो ऑकवर्ड फील। हाइलाइट सुनिए मैम, इसके स्केचेस इंटरनेट पे वायरल हो चुके हैं। वाओ रियली? यस शो मी। मैम वो ये देखें मैम। वाओ एमएल दीज आर वेरी गुड, ये वाला रख लूं मैं, बहुत प्यारा है। यस मैम, प्राउड ऑफ यू। थैंक यू मैम। ओके हु इज नेक्स्ट? अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको पढ़ाना शुरू कर दूं तो ठीक है, प्लीज टेक आउट योर बुक्स। मैम ये इससे इब्रार से पूछे मैम, इसको बहुत शौक है मोटिवेशनल स्पीकर बनने का। बताओ इब्रार। इब्रार वायरस। ओह माय गॉड, यू हैव निकनेम्स फॉर एवरीवन। एनीवेज बताओ इब्रार, व्हाट्स योर गोल? मैम मेरा ख्वाब है कि मैं एक बेहतरीन इंजीनियर बनूं। मैम हमजा बंडल आजकल राइट हैंड बनेगा, ये हैकर। व्हाट एल्स इब्रार? मैम इसके अलावा और कुछ करने का टाइम ही नहीं होता मेरे पास, क्योंकि मेरे छोटे छोटे बहन भाई हैं, उनको संभालना होता है। तुमने क्यों संभालना होता है? क्योंकि मेरी अम्मी की तबीयत खराब रहती है मैम। तो तेरी हालत खुद कौन सा सही रहती है यार? आर यू ओके इब्रार? आई फील पेन इन माई चेस्ट, लेग एंड स्पाइन। व्हाट क्यों? क्योंकि उस दिन जो हुआ था। तुम्हारे पेरेंट्स को पता है इस बात का? मैम अब क्या करें, पेरेंट्स को तो सब कुछ मालूम होता है। इनफैक्ट मेरी माँ आज भी मेरी तस्वीरें और स्कूल ट्रॉफीज अपने पास रखती है। माँ प्यार नहीं करेगी तो कौन प्यार करे? हौसला कर यार, अल्लाह को सब पता ना। ओके सो लास्ट वन। मैम मुझे लगता है हमारे ना जाने का टाइम हो गया। होशियार बनते हैं मगर है नहीं। अरे तुम लोगों से अच्छा है ना वो बेकरी वाला है, जिसने मुझे टाइम पे 2 केक तो दे दिए थे। तू अभी भी केक खाता है? हाँ यार
लेकिन अब्बू के लिए छोड़ा था मैं। अच्छा चल घर जाके खा ली, रोना। दिल तो बहुत करता है लेकिन। So what's your aim, Bilal? मैम मैं आर्मी ज्वाइन करना चाहता हूँ। Oh, माशाल्लाह, that's so good. तो उसके लिए क्या कर रहे हो तुम? Yes, ma'am. Training to be good at athletics and playing some sports like volleyball and cricket. माशाल्लाह, this is good. Best of luck. Thank you, ma'am. मैम वैसे आपने हम सब से पूछ लिया, हमने बता भी दिया, अभी कुछ अपने बारे में बताएं। ज़्यादा कुछ नहीं, बस आई जस्ट वॉन्ट यू ऑल टू बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ। पर एक और बात जो शायद तुम लोगों को जान के कुछ अजीब लगे, बट मेरे लिए मेरे स्टूडेंट्स ही सब कुछ हैं, और अगर मुझे तुम लोगों के लिए जान भी देनी पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। वैसे भी किसे पता था दैट डे वुड बी अ डिजास्टर। तो क्यों आया था उस दिन इब्रार? आखिरी दिन थे वो, दिन लौट कर वापस कभी नहीं आएंगे, बस यही सोच कर आ गया था मैं। अम्मी ने कहा था अब्बू को केक खिलाकर जाओ, लेकिन मैंने सोचा कुछ घंटों की तो बात है, वापस आकर खिला दूंगा। लेकिन किसे पता था कि कुछ वक्त का इंतज़ार सारी ज़िंदगी का इंतज़ार बन के रह जाएगा। I was going for a PhD, पर कुछ चीज़ें अधूरी रह। अच्छा वैसे बूटे की क्या कहानी थी? मैम वो बूटा ना हमारे स्कूल में काम किया करता था एक्चुअली। मैम था वो स्वीपर, लेकिन उसके ना फैशन ही नहीं मानते, अजीब कपड़े पहनना उसने। यार कार्टून था वो। पैंट कभी नीली तो कभी पीली, अजीब। सही रंगीला बाबू। और धूल के बारे में बता रहे थे। Thank you.